अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू एन अदर वीडियो। मैं हूं फैजान और आप देख रहे हैं गारमेंट टेक्निक्स। नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक है प्रोडक्शन और क्वालिटी में क्या फ़र्क होता है, इनके क्या काम होते हैं। आज हम इनके बुलेट पॉइंट पर जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, तो लिहाजा इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप इस वीडियो को कम्प्लीटली तौर पर समझ सकें। तो चलिए नाज़रीन, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि है प्रोडक्शन और क्वालिटी के डिफरेंस पर। नाज़रीन, क्या आप में से कोई प्रोडक्शन या क्वालिटी में काम कर रहा है? प्रोडक्शन और क्वालिटी किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में काम कर रही होती है, वो इदारा कोई भी हो सकता है। उसमें गारमेंट इंडस्ट्री का कोई इदारा हो सकता है, उसमें कोई मोटर बाइक, कार या कुछ भी, मोबाइल वगैरह भी बनाने का कोई इदारा हो सकता है, लेकिन हर इदारे में क्वालिटी और प्रोडक्शन, ये दो डिपार्ट जो हैं वो लाजमन मौजूद होते हैं। एक ने प्रोडक्ट बनानी होती है या बनवानी होती है, उसका लेआउट बनाना होता है, उसकी स्ट्रेटेजी बनानी होती है, और उसके अलावा जो क्वालिटी डिपार्टमेंट है उसने उसके साथ साथ उसके जो डिफेक्ट्स हैं उसको कम करने के लिए इन लाइन या टेबल या कहीं पे भी फाइनल चेक करना होता है। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बहुत ही जिम्मेदार डिपार्टमेंट होता है, जिसके पास बहुत ही टेक्निकल टीम होती है और उनके जो सुपरवाइजर्स हैं, मैनेजर्स हैं, इंचार्ज हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो उनकी टीम में हेल्पर्स काम कर रहे होते हैं नाज़रीन, वो हेल्पर भी बहुत ही अहमियत के हामिल रखते हैं, क्योंकि उनकी जो ट्रेनिंग है, उनका जो काम है, हार्डवर्किंग है, वो इनको दूसरों से अलग करता है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट नाज़रीन वो डिपार्टमेंट होता है जिसने किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करवाना हो, किसी भी प्रोडक्ट की मेकिंग करवानी हो, वो कोई भी प्रोडक्ट हो सकती है। तो नाज़रीन, इससे भी आसान करके अगर हम प्रोडक्शन को समझें तो आप इसको दो लफ्ज़ों में उतार सकते हैं, यानी आपने जो भी प्रोडक्ट तैयार करवानी है उसको जो तैयार करवाने की जिम्मेदारी होती है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की होती है। तो प्रोडक्शन एक नाम है पैदावार का, तो इसीलिए पैदावारी जो टीम होती है, प्रोडक्शन टीम होती है, उसने पैदावार बनानी होती है किसी भी प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट कोई भी हो सकती है, गारमेंट्स हो सकते हैं, लेडीज़ के, किड्स के, मेंस के, या इसके अलावा कोई भी और प्रोडक्ट, बाइक, साइकिलिंग या मोबाइल फोन्स वगैरह हो सकते हैं। ठीक है नाज़रीन, उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या है, पैदावारी डिपार्टमेंट का काम क्या होता है। और इसके बाद नाज़रीन हम अब डिस्कस करेंगे क्वालिटी डिपार्टमेंट। तो नाज़रीन, क्वालिटी डिपार्टमेंट का जो सही मानों में काम होता है ना, वो होता है प्रोडक्ट में किसी भी डिफेक्ट या ब्लंडर या किसी भी वर्कमैनशिप को रॉन्ग होने से बचाना, यानी उसको बार बार क्रॉस चेक करते रहना लाइन में, या उसको रैंडमली क्रॉस चेक करते रहना टेबल पर, 100% चेक करते रहना। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि आप किसी बड़े ब्लंडर से या ज़्यादा मल्टीपल प्रॉब्लम से, डिफेक्ट से आप बच जाते हैं और कम DHU में आप अच्छी प्रोडक्ट तैयार कर लेते हैं। तो नाज़रीन, क्वालिटी का काम ये होता है कि वो किसी भी प्रोडक्ट को स्टार्ट करने से पहले उसको स्टडी करते हैं, उसके सैंपल हों या उसकी फाइल हो, कोई भी स्पेशल कमेंट्स हो, तो उनको पहले उसको स्टडी करते हैं, समझते हैं, उसके अंदर CTQs तलाश करते हैं, यानी कि क्रिटिकल टू क्वालिटी। तो फिर उस मुताबिक उसको क्रॉस चेक किया जाता है लाइंस के अंदर, टेबल पर या फाइनल टेबल पर, ताकि किसी भी प्रोडक्ट को कस्टमर के तवक्कात पे पूरा उतारा जा सके। नाज़रीन, CTQ पर भी मैं एक वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका हूँ, अगर आप उसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि CTQs का जो असल मायनी है, डेफिनेशन है, वो क्या है और वो कैसे काम करता है। तो नाज़रीन, उस वीडियो का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा ताकि आप उस वीडियो से भी मुस्तफ़ीद हो सकें। तो नाज़रीन, आप यकीनन समझ गए होंगे कि क्वालिटी और प्रोडक्शन का जो काम है वो एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होता है, वो एक दूसरे को हेल्प आउट करते हैं और शाना बशाना एक दूसरे के साथ चलते हैं, काम को समझते हैं। टेक्निकल काम जो है या मेकिंग का जो काम है वो प्रोडक्शन के जिम्मे होता है, और उस टेक्निकल काम को क्रॉस चेक करना और डिफेक्ट्स को कंट्रोल करना और क्वालिटी के मेयार को बेहतर बनाना, कम टाइम में अच्छी क्वालिटी प्रोड्यूस करना, ये क्वालिटी कंट्रोल प्लस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट दोनों का काम होता है। तो इसी तरह से नाज़रीन, ये दोनों डिपार्ट मिलकर एक अच्छी प्रोडक्ट तैयार करते हैं, जिससे कंपनी में मौजूद वर्कर्स, उस कंपनी का और जिस मुल्क में वो कंपनी काम कर रही होती है, तो जब उसकी प्रोडक्ट बाहर जाती है
तो इन तीनों का यानी उस कंट्री का जिसमें वो प्रोडक्ट बनी और जिन डिपार्टमेंट्स ने मिलकर उसमें एफर्ट की उन सब का नाम रोशन होता है। तो लिहाजा हम सबको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए और हमें एक दूसरे के साथ मिलकर शाना बशाना काम करना चाहिए ताकि कोई भी अच्छी प्रोडक्ट जो है बनाने जाए तो उसका क्रेडिट जो है वो सबको मिले। तो नाज़रीन उम्मीद करता हूँ आपको आज की इस वीडियो से फ़ायदा हासिल हुआ होगा और कुछ ना कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो नाज़रीन मैं अब मिलूँगा आपसे इसी तरह के एक इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूँ फैज़ान, अस्सलामुअलैकुम।